महिला आरक्षण बिल संसद में पेश होने पर महिलाओं ने खुशी जाहिर की है। चमोली में महिलाओं ने खुशी जताते हुए जश्न मनाया। बिल को पेश किए जाने पर जगह जगह होली और दीपावली एक साथ मनाई गई है। महिला मोर्चा अध्यक्ष हिमानी वैष्णव के नेतृत्व में जिला मुख्यालय गोपेश्वर में महिलाओं ने एक संगोष्ठी आयोजित की। गोष्ठी में बीजेपी समेत विभिन्न दलों की महिलाओं ने प्रतिभाग कर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पेश किया गया केंद्र सरकार की तरफ से और आज उसमें चर्चा हो रही है और ये बिल पास भी हो जाएगा। और इस बिल के जैसे पेश हुआ वैसे मातृशक्ति में एक अलग ही जोश और उत्साह नजर आया। तो हमने गोपेश्वर में पूरी विधानसभा से प्रत्येक महिला, एक आम महिला भी यहाँ पे इस गोष्ठी में आई हुई है और जश्न मना रही है, मिठाई वितरित कर रही है क्योंकि 33% आरक्षण जिस प्रकार से विधानसभा। और तो समस्त भारत की महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि जो ये महिला आरक्षण बिल आज संसद में पेश होगा। मैं जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी महिलाओं को 33% आरक्षण संसद में और विधानसभा में सभी क्षेत्रों में महिलाओं को आरक्षण बिल पास करवाए, बिल पेश किया है। मैं महिला बहनों को ये कहूँगी कि हमारी जितनी भी महिलाएं हैं सारी महिलाओं को नेतृत्व करने का मौका इस समय मिलेगा और हमारी महिला बहनें बहुत उत्साहित हैं। मैं सभी बहनों को बधाई दूंगी कि हमारी बहनों ने बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में भी भाग लिया है।